नमस्कार दोस्तों, जय मसीह की। क्या पवित्र आत्मा इस तरह आता है? चलिए हम पवित्र आत्मा के बारे में कुछ पदस्थल बाइबल से हम देखेंगे। यूहन्ना 16:7 में हम देखेंगे पवित्र आत्मा के बारे में क्या कहता है। यूहन्ना 16:7 में हम पढ़ने से पाएंगे, यह कहता है कि तब भी मैं तुमसे सच कहता हूँ कि मेरा जाना तुम्हारे लिए अच्छा है, क्योंकि यदि मैं न जाऊँ तो वह सहायक तुम्हारे पास ना आएगा, परंतु यदि मैं जाऊंगा तो उससे तुम्हारे पास भेजूंगा। तो यहाँ पर वह सहायक कहता है, पवित्र आत्मा को वह सहायक कहके यीशु मसीह बोलता है। इंग्लिश में उसे हिम कहता है। और हम देखेंगे यूहन्ना 16:8 में यह कहता है, वह आकर संसार को पाप और धार्मिकता और न्याय के विषय में द्युतर करेगा। तो क्या करता है? पाप का बोध कराता है। मत्ती 28:19-20 यहाँ हम पढ़ने से पाएंगे कि पवित्र आत्मा परमेश्वर का हिस्सा है। इसे यह कहता है, इसलिए तुम जाओ सब जातियों के लोगों को चेला बनाओ और उन्हें पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम से बपतिस्मा दो। ये कारण ये परमेश्वर का एक हिस्सा है पवित्र आत्मा। फिर हम देखेंगे इफिसियों 4:30, यह पवित्र आत्मा को दुखी किया जा सकता है। यहाँ इफिसियों 4:30 में कहता है, परमेश्वर के पवित्र आत्मा को शोकित मत करो जिससे तुम पर छुटकारे के दिन के लिए छाप दी गई है। यहाँ परमेश्वर के पवित्र आत्मा को शोकित मत करो कहता है। पवित्र आत्मा हमारे साथ संघर्ष करता है। पवित्र आत्मा हमारे साथ संघर्ष करता है, उसके बारे में हम देखेंगे। उत्पत्ति 6:3 यहाँ पर कहता है, हम देखेंगे उत्पत्ति 6:3 में, तब यहोवा ने कहा, मेरा आत्मा मनुष्यों से सदा लोग विवाद न करता ना रहेगा, क्योंकि मनुष्य भी शरीर ही है, उसकी आयु 120 वर्ष की होगी। तो यह कहता पर यहोवा ने कहा, मेरा आत्मा मनुष्य से सदा लोग विवाद करता ना रहेगा। तो रोमियो 8:26 में कहता है, इसी रीति से आत्मा भी हमारी दुर्बलता में सहायता करता है, क्योंकि हम नहीं जानते कि प्रार्थना किस रीति से करना चाहिए, परंतु आत्मा आप ही ऐसी आहें भर भर का जो बयान से बाहर हैं हमारे लिए विनती करता है। फिर हम देखेंगे रोमियों 8:27 में यहाँ पढ़ने से हम पाएंगे कि आत्मा का एक मन भी है। जैसे कि मनुष्य का मन है तो इसी तरह आत्मा का भी मन है, उसको हम जानने के लिए पढ़ेंगे रोमियों 8:27। और मनों का जचने वाला जनता है कि आत्मा की मनसा क्या है, क्योंकि वह पवित्र लोगों के लिए परमेश्वर की इच्छा के अनुसार विनती करता है। गलती 5:22-26 हम यहाँ पर हम पाएंगे पढ़ने से, यह कहता है, पर आत्मा का फल प्रेम, आनंद, शांति, धीरज, कृपा, भलाई, विश्वास, समर्थता और संयम है। ऐसे ऐसे कामों के विरोध में कोई भी व्यवस्था नहीं। जो मसीह यीशु के हैं उन्होंने शरीर को उसकी ललसाओं और अभिलाषाओं समेत क्रूस पर चढ़ा दिया है। यदि हम आत्मा के द्वारा जीवित हैं तो आत्मा के अनुसार चलें भी। हम घमंडी होकर ना एक दूसरे को छेड़ें और ना एक दूसरे से दाह करें। तो आत्मा का फल ये जो कि नाव है, हम ये हमारे जीवनों में ये फलों को उत्पन्न करता है पवित्र आत्मा। जैसा है प्रेम, आनंद, मेल, धीरज, कृपा, भलाई, विश्वास, नम्रता और संयम, ये सब है। आगे हम देखेंगे फिर इज़कियेल 36:26-27, और मैं उनके साथ शांति की वचा बांधूंगा, वह सदा की वचा ठहरेगी, और मैं उन्हें स्थान देकर गिनती में बढ़ाऊंगा और उनके बीच अपना पवित्र स्थान सदा बनाए रखूंगा। मेरे निवास का तंबू उनके ऊपर तना रहेगा और मैं उनका परमेश्वर होऊंगा और वे मेरी प्रजा होंगे। और पढ़ेंगे हम उत्पत्ति 1:2, यह कहता है, आत्मा ने सृष्टि में पिता और पुत्र के संग क्या क्या भाग लिया और वह नए सृष्टि में भाग लेता है। इसके बारे में हम देखेंगे उत्पत्ति 1:2। उत्पत्ति 1:2 में हम पढ़ने से पाएंगे, यहाँ पर पृथ्वी बेडौल और सुनसान पड़ी थी और गहरे जल के ऊपर अंधेरा था, अतः परमेश्वर का आत्मा जल के ऊपर मंडराता था।
देखते हैं परमेश्वर का आत्मा जाल के ऊपर मंडराता था। फिर रोमियो 8:11 पे पढ़ने से पाएंगे, हमें मृत्यु से डरने की आवश्यकता नहीं है क्योंकि पवित्र आत्मा की शक्ति के द्वारा अपने विशेष योग्य लोगों को पुनर्जीवित करेगा। यदि उसी का आत्मा जिसने यीशु को मरे हुओं में से जिलाया तुम में बसा हुआ है, तो जिसने मसीह को मरे हुओं में से जिलाया वह तुम्हारी नश्वर देहों को भी अपने आत्मा के द्वारा जो तुम में बसा हुआ है जिलाएगा। फिर यूहन्ना का 16:13-14 में पढ़ने से पाएंगे, पवित्र आत्मा हमें सभी सत्या में मार्गदर्शन करता है। 16:13-14 यूहन्ना 16:13-14 में यह कहता है, परंतु जब वह अर्थात सत्य का आत्मा आएगा तो तुम्हें सब सत्य का मार्ग बताएगा, क्योंकि वह अपनी ओर से ना कहेगा परंतु जो कुछ सुनेगा वही कहेगा और आने वाली बातें तुम्हें बताएगा। फिर हम यूहन्ना 14:26 में पढ़ने से पाएंगे, पवित्र आत्मा परमेश्वर का शिक्षक है। यूहन्ना 14:26 में यह कहता है, परंतु सहायक अर्थात पवित्र आत्मा जिसे पिता मेरे नाम से भेजेगा वह तुम्हें सब बातें सिखाएगा, जो कुछ मैंने तुमसे कहा वह सब तुम्हें स्मरण कराएगा। इसलिए हम कह सकते हैं पवित्र आत्मा परमेश्वर का शिक्षक है। और हम देखेंगे मत्ती 12:31-32 में पढ़ने से पाएंगे, पवित्र आत्मा की दोषी ठहराने परिवर्तन करने निर्दोष देने वाली शक्ति को पूरी तरह से अस्वीकार करना हमेशा के लिए क्षमाहीन पाप करना है। इसे हम पाएंगे पढ़ेंगे मत्ती 12:31-32 में कहता है, इसलिए मैं तुमसे कहता हूँ कि मनुष्य का सब प्रकार का पाप और निंदा क्षमा की जाएगी, परंतु पवित्र आत्मा की निंदा क्षमा न की जाएगी। जो कोई मनुष्य के पुत्र के विरुद्ध में कोई बात कहेगा उसका यह अपराध क्षमा किया जाएगा, परंतु जो कोई पवित्र आत्मा के विरुद्ध में कुछ कहेगा उसका अपराध ना तो इस लोक में और ना परलोक में क्षमा किया जाएगा। रोमी 8:14 में हम देखेंगे यहाँ पर कहता है, जैसा ही हम पवित्र आत्मा को हमारी अगुवाई करने देते हैं हम परमेश्वर के पुत्र और पुत्रिया बन जाते हैं। रोमी 8:14 में कहता है, इसलिए कि जितने लोग परमेश्वर के आत्मा के चलाए चलते हैं वे ही परमेश्वर के पुत्र हैं। तो यह क्या कहता है, इसलिए कि जितने लोग परमेश्वर के आत्मा के चलाए चलते हैं वे ही परमेश्वर के पुत्र हैं। तो जो परमेश्वर के आत्मा के चलाए चलते हैं उसके अनुसार चलते हैं वे परमेश्वर के पुत्र कहलाएंगे, पुत्र बन जाते हैं, परमेश्वर के पुत्र बन जाते हैं, परमेश्वर के पुत्र और पुत्रियां बन जाते हैं। इसलिए हमें परमेश्वर के आत्मा के अनुसार चलना है। तो ये इसलिए त्रियक परमेश्वर का एक भाग है, पवित्रात्मा एक हिस्सा है। इसलिए हमें पवित्रात्मा को अच्छी तरह समझना है। इस तरह जो कि यहाँ जो डिग रहे हैं, नाच रहे हैं और गिर रहे हैं, ये सब पवित्रात्मा का फल नहीं है। और इस तरह ये पवित्रात्मा का एक्शन ऐसा नहीं होता है। उस पवित्रात्मा जो एक परमेश्वर है इस तरह गिरने को मजबूर नहीं करेगा। वो